हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावर ऑफ फिजिक्स केवी। आज इस वीडियो में हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप एक तरह का ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। इट इज़ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज फॉर ऑब्जर्विंग डिस्टिंक्ट इमेजेस ऑफ हेवनली बॉडीज। जो स्पेस में ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनकी प्रॉपर डिस्टिंक्ट अलग अलग इमेजेस दिखाता है हमें एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दो तरह के एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप्स होते हैं। वन इज रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप एंड द अदर वन इज रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में लेंसेज का यूज होता है और रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में मिरर का यूज होता है। इस वीडियो में हम रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल टेक अप द केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। एक रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप के अंदर दो लेंसेज यूज होते हैं। द वन विच इज नियर द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर अगर हमारा हेवनली ऑब्जेक्ट है तो वो लेंस जो ऑब्जेक्ट के पास होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो लेंस हमारी आई के पास होता है, जिस साइड से हम देख रहे हैं, उसे हम बोलते हैं आई पीस। नाउ एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये जो लेंस है जो ऑब्जेक्ट की तरफ है, ये इसका साइज बड़ा है, और वो लेंस जो आई की तरफ है उसका साइज छोटा है। सी वन एंड सी टू आर द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ दीज लेंसेस। और हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो अप्रॉक्सीमेटली इन्फिनिटी पे ही होता है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ दिस टेलीस्कोप, और इन्फिनिटी से रेज हमेशा पैरेलल आती हैं। लेट सपोज दीज आर द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट एंड दे आर मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस। एंड लेट सपोज एफ ओ रिप्रेजेंट्स द फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव लेंस। ये सारी रेज एफ ओ पे कन्वर्ज होंगी, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे कन्वर्ज होंगी, और हमारी एक रियल इमेज बनेगी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनेगी एट द फोकस ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव। नाउ दिस इमेज शुड बी एट अ डिस्टेंस लेस देन द फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। लेट अस सपोज एफ ई इज द फोकस ऑफ द आई पीस। तो ये जो इमेज बन रही है इट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर दिस आई पीस, और ये उसकी एक वर्चुअल मैग्निफाइड इमेज बनाएगा इन्वर्टेड। द इमेज विल बी लाइक दिस। हमने इसमें दो रेज ली है इमेज बनाने के लिए। वन इज पासिंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर सी टू ऑफ द आई पीस एंड द अदर वन इज गोइंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड दैट इज गोइंग थ्रू पासिंग थ्रू द फोकस ऑफ दिस आई पीस। अभी राइट साइड पे नहीं मिलेंगे, दे आर गोइंग टू मीट ऑन द लेफ्ट साइड। सो द इमेज इज फॉर्म्ड लाइक दिस। नाउ लेट मी नेम दिस एंगल एज बीटा। ऑब्जेक्टिव जो इमेज बना रहा है उसको मैं नाम देती हूँ ए डैश बी डैश, एंड आई पीस जो इमेज बना रहा है उसको मैं नाम देती हूँ ए डबल डैश बी डबल डैश। नाउ वी आर स्टडिंग द केस व्हेन दिस इमेज इज बीइंग फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फ्रॉम द आई पीस। इन दिस केस वी डिफाइन मैग्निफाइंग पावर लाइक दिस। It is defined as the ratio of angle subtended at the eye by the image at the least distance of distinct vision to the angle subtended at the eye by the object at infinity when seen directly. ये रेशियो है किसका? एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द इमेज। जो इमेज बन रही है, फाइनल इमेज जो बन रही है, वो कितना एंगल सबटेंड कर रही है आई पे? बीटा एंगल सबटेंड कर रही है। एंड द सेकेंड एंगल दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, सेकेंड एंगल कौन सा है? जो हमारा जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है डायरेक्टली दोनों लेंसेज पे सबटेंड कर रहे हैं। जब हम डायरेक्टली उसको देखते हैं सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल एक्सिस से, वो कितना एंगल बना रहे हैं? देखो यहां पर वो अल्फा एंगल बना रहे हैं। तो मैग्निफिकेशन इन दोनों एंगल्स का रेशियो है बीटा अपॉन अल्फा, और हमें पता है हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं दे आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन बीटा एंड tan alpha since all the angles are very small. Now if this angle is alpha, then by vertically opposite angle ye angle bhi alpha hoga. Aur agar hum in dono triangles ki baat kare, triangle c2 b dash a dash and triangle c1 b dash a dash, then tan alpha is given by
ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी वन, एंड टैन बीटा इज गिवन बाय सी टू, इट्स ए डैश बी डैश अपॉन बी डैश सी टू. नाउ लेट मी पुट इट इन द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन. आई विल गेट, सिंस ए डैश बी डैश तो कैंसिल हो गया, तो हमें मिलेगा बी डैश सी वन अपॉन बी डैश सी टू. अब इनकी वैल्यूज क्या है? देखो, बी डैश सी वन क्या है? इट इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव, और ये पॉजिटिव होगी क्योंकि हम राइट साइड में मेजर कर रहे हैं. एंड बी डैश सी वन, बी डैश सी टू क्या होगा? इट इज द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द आई पीस, एंड इट विल बी अ नेगेटिव वैल्यू क्योंकि हम लेंस के लेफ्ट में मेजर कर रहे हैं. सो हेयर आई विल गेट इट्स इक्वल टू माइनस, इट्स प्लस एफ ओ अपॉन माइनस यू ई, और आई कैन राइट इट एज मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन यू ई. लेकिन हमें यू ई की वैल्यू तो पता नहीं है, हमें ये पता है कि इमेज कहाँ बन रही है फाइनल आई लेंस के लिए, और उसकी फोकल लेंथ कितनी है. सो लेट मी यूज द लेंस फॉर्मूला फॉर द आई लेंस. दिस इज माई लेंस फॉर्मूला फॉर द आई पीस, और इससे मैं वन अपॉन यू ई की वैल्यू निकाल सकती हूँ. आई विल गेट वन अपॉन वी ई माइनस वन अपॉन एफ ई. नाउ लेट मी पुट दियर वैल्यूज. यू ई की वैल्यू होगी माइनस यू ई क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यू है. इमेज कहाँ बन रही है? माइनस डी पे, और फोकल लेंथ इसकी होगी प्लस एफ ई. सो हेयर आई विल गेट वन अपॉन यू ई इज इक्वल टू वन अपॉन डी प्लस वन अपॉन एफ ई. नाउ लेट मी टेक वन अपॉन एफ ई कॉमन. आई विल गेट वन प्लस एफ ई अपॉन डी. दिस इज द वैल्यू ऑफ वन अपॉन यू ई. नाउ आई कैन पुट इट हेयर. आई विल गेट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई वन प्लस डी एफ ई अपॉन डी. सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. हियर नेगेटिव साइन शोज दैट द इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट. नाउ लेट्स टेक द सेकेंड केस व्हेन द इमेज इज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, दैट इज द टेलीस्कोप इज इन नॉर्मल सेटिंग. दीज आर द टू लेंसेज ऑफ द टेलीस्कोप. दिस इज द ऑब्जेक्टिव एंड दिस इज द आई पीस. इनके जो फोकस है, इस केस में दोनों के फोकस एक ही पॉइंट पे लाए करेंगे. दिस इज द पॉइंट जहां पर फोकस है दोनों का. नाउ लेट अस सपोज द रेज विच आर कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट आर मेकिंग एन एंगल ऑफ अल्फा विद द प्रिंसिपल एक्सिस. ये सारी की सारी रेज कहाँ कन्वर्ज होंगी? ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकस पर. और जो हमारी इमेज बनेगी ए डैश बी डैश, दैट विल एक्ट लाइक एन ऑब्जेक्ट फॉर द आई पीस. और वो ऑब्जेक्ट कहाँ सिचुएटेड है? उसके फोकस पर, आई पीस के फोकस पर. नाउ दीज रेज आर गोइंग टू पास लाइक दिस, और यहाँ पर ऑब्जर्वर की आई होगी जिसे लगेगा कि जो हमारी फाइनल इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पे बन रही है, एज वी कैन सी ओवर हियर. नाउ लेट्स डिफाइन द मैग्निफाइंग पावर इन दिस नॉर्मल एडजस्टमेंट. इट इज डिफाइंड एट द रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड एट द आई बाय द फाइनल इमेज to the angle subtended at the eye by the object when both are at infinity. बीटा जो एंगल है, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज. अगर हमारी ये इमेज बन रही है, देन इट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द इमेज ऑन द आई. और ये इमेज कहाँ बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है. एंड अल्फा इज द एंगल सबटेंडेड बाय द रेज डायरेक्टली. ये जो रेज आ रही है पैरेलल आ रही है, जितना एंगल ये ऑब्जेक्टिव पे सबटेंड करेगी उतना ही एंगल आई पीस पे भी सबटेंड करेंगी. So here m is equal to beta upon alpha, which I can approximate as equal to tan beta upon tan alpha. Now here in this diagram, this angle will also be alpha. तो हम अगर इन दोनों triangles को देखिए, triangle a dash b dash c2, that is this one, and triangle a dash b dash c1, that is this triangle. Then tan alpha will be equal to a dash b dash upon b dash c1, and tan beta will be equal to a dash b dash upon b dash c2. Let me put the values.
हियर ए डैश बी डैश गेट्स कैंसल्ड एंड बी डैश सी वन बी डैश सी टू की वैल्यू है. हियर बी डैश सी वन इज द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस विद अ पॉजिटिव साइन एंड बी डैश सी टू इज द फोकल लेंथ ऑफ द आईपीस विद अ नेगेटिव साइन. सो वी कैन राइट हियर प्लस एफ नॉट अपॉन माइनस एफ ई और आई कैन राइट माइनस एफ नॉट अपॉन एफ ई. दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन फॉर द टेलीस्कोप व्हेन इट इज इन नॉर्मल एडजस्टमेंट. तो इन दो फॉर्मूले से हम ये बता सकते हैं कि हम मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की कैसे बढ़ा सकते हैं. देखो एफ नॉट को इंक्रीज करके और एफ ई को डिक्रीज करके. अगर हम ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ इंक्रीज कर दें तो मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी और आई पीस की फोकल लेंथ डिक्रीज करने पर मैग्नीफाइंग पावर बढ़ जाएगी. सो इन ऑर्डर टू हैव हाई मैग्नीफाइंग पावर फोकल लेंथ ऑफ आई पीस शुड बी स्मॉल एंड फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज. Now here the negative signs show that the image is inverted with respect to object. अगर हमें erect image चाहिए तो हम इन दोनों lenses के बीच में एक और lens introduce कर सकते हैं जिसको हम बोलते हैं erecting lens. Telescope की भी अपनी resolving power होती है. The more is the resolving power, the better is the picture. The more is the aperture of the objective. अगर objective lens का aperture बड़ा होगा तो resolving power ज़्यादा होगी. This concept will be discussed in the next video. That's all for now. Have a good day.